गुड मॉर्निंग गाइज, अभी उठे हैं, 6:15 का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइज, रात भर नींद तो नहीं आई है, बस ऊबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण ठंड तो बहुत थी। और अभी देखो आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है? अभी अमित बाहर का थोड़ा सा। सो इट्स आवर टेंट बिटवीन द फॉरेस्ट एंड स्नो कवर्ड दुदा तोली। It's all of us know here. There is so much snow that can be visible from Gersen. Here is Gersen. He's some white dots. This is Gersen. यहाँ तो पानी मिलना भी बहुत मुश्किल है, मतलब मिलना मुश्किल नहीं है, बनाना बहुत मुश्किल है। आधा घंटे से ज्यादा हो गया ये पिघल के नहीं दिया अभी तक, ठीक है ना? गैस तो यहाँ ठंडा होगा इस एरिया में। गैस ध्यान रखना, एलपीजी बहुत ही लिमिटेड एरिया के लिए है, ज्यादा हाइट में इतनी ठंड में एलपीजी ज्यादा अच्छी नहीं चलेगी इसकी। ये देखो बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही है, बिल्कुल हल्की हल्की लो है इसकी। आग से ही काम चलाना पड़ेगा, आग ही एकदम सब कुछ करती है। बर्फ ओढ़ना पड़ा इसमें, ओढ़ना पड़ा इसमें बर्फ। खूब है, भर गई यार। सिलेंडर बंद कर दूं? जुगाड़ में लगा हुआ सुमित। बड़ा टाइम लगता है इन कामों में यहाँ पे। शुक्र आप पतला लिया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है यहाँ पे, और अभी जो जबरदस्त नज़ारा आपको ऊपर जाके दिखाएंगे, हमारा मूड बन गया ऊपर जाने का। ऊपर जाएंगे जाएंगे, जो मेन पीक है, मेन पॉइंट है, वहाँ पे जाएंगे ही हम। अभी बस थोड़ी कॉफ़ी बनाते हैं, अभी कॉफ़ी बना के निकल रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा। दोस्तों मिशन में कामयाब हुए और हम पीक पे पहुंच चुके हैं। पता नहीं था पहुंचेंगे पहुंचेंगे, और अब नज़ारे देखना, अब नज़ारे सुमित, वहां जाके नजारे दिखाना। बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, और सामने दिखाओ अभी हिमालय, पूरा हिमालय यहां से वहां तक आपको बर्फ ही बर्फ। पता नहीं कौन सी पीक है, अभी देखते नेट पे कौन सी सर्च करते हैं कौन सी पीक है ये। और ये पूरा एरिया सफेद हो रखा है, यही है यहाँ पे लगभग हाईएस्ट पॉइंट, और ये समाध बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ के लोग इसको पूजते हैं, पवित्र मानते हैं। वहां पे चलना सी हमें साथ, उस पे रुक रहे थे। एट लास्ट ना करते हुए नहीं जाना, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रखी थी, 4 फीट 5 फीट पता नहीं कितनी स्नोफॉल हो रखी थी। मूड बना था वापस चले जाए, फिर नहीं चलते हैं, वापस चले जाए नहीं चलते हैं, और एट लास्ट हम यहाँ पे पहुँच ही गए। जो हम गर्मियों में आए थे वो नज़ारे टोटली डिफरेंट थे यहाँ से, और ये नज़ारे बिल्कुल डिफरेंट हैं। पूरा सफ़ेद हो रखा ये एरिया, और उस टाइम हमें जो हिमालय व्यू है उस टाइम नहीं दिखाई दिया था, और अभी अगली छोटी सी जो पीक है वहाँ पे जाके आपको और दिखाते हैं, और क्लियर हिमालय दिखेगा। तो दोस्तों थोड़ी सी उसी अगली पीक है, ये पीक जहाँ बहुत सारी हैं, इस सभी को दुदा तोली बोलते हैं। बाकी हाइएस्ट कौन सी है, कुछ 15-20 मीटर का फर्क है, एक बार तो दिखाओ। हमें लग रहा है कि शायद वो सबसे ऊँची है, यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस है शायद,
50 मीटर का मुश्किल से डिफेंस है उसका हाइट में। और इधर से देखो आपको दोबारा से हिमालय व्यू देखो आप, पूरी रेंज वहाँ से स्टार्ट होती है हिमालय जो अपने पूरी पीक्स है वहाँ से और वहाँ होते हुए और इधर होते हुए यहाँ तक दिखाई देती है, यहाँ तक दिखाई देती है ये। जैसे ही सूरज इधर घूमेगा ये इनकी जो चमक है वो बढ़ती जाएगी। अब ये पूरा एरिया बर्फ से भरा पड़ा है और जिस एरिया में हम खड़े हैं ये भी पूरा बर्फ से भरा पड़ा है। अभी जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है वो है 3014 मीटर, 10-20 मीटर ऊपर हो सकता है। जहाँ हम खड़े हैं वो इससे 50 मीटर कम है। अभी जो 3014 है वो पता नहीं ये पीक है पता नहीं कौन सी पीक है वो, लेकिन जो लोग समिट मानते हैं कि हाँ यहाँ तक हमें आना है वो वहाँ पे समाधि बनी हुई है सुमित जी खड़े। यहाँ तक आते हैं लोग और रात में ऐसी जगह पे जिस जगह पे हमने कैंपिंग करी है शायद ही किसी लोकल ने की होगी, आई थिंक लोकल ने भी नहीं की होगी, और टूरिस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो खपरेल बने हुए हैं वहाँ पे लोग हैं लेकिन ऐसे टेंट लगा के कोई नहीं रहता यहाँ पे। अगर आपको भी आना है इस सफ़र का, इस एडवेंचर का मज़ा लेना है तो मैं आपको अमित का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अमित परमानेंट रहता है यहाँ पे। अमित के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, अमित यहाँ पे पोस्टमैन है, रहने वाला हमारा ही पानीपत का है, वो हमारे साथ ही रहता था लेकिन यहाँ पे उसकी जॉब लगी और उसने डिसाइड किया उसको परमानेंट यही रहना है, तो इसलिए वो यहाँ की लैंग्वेज भी सीख गया है। और अगर आपको आना है तो आपका पूरा मैनेजमेंट कर देगा, बहुत ही सस्ते में आप यहाँ पे घूम फिर सकते हो। अगर आपने इस टाइम स्नो देखनी है, स्नो में घूमना है तो ये बेस्ट टाइम है। ये अप्रैल तक भी नहीं जाएगी बर्फ, इतनी बर्फ गिरी हुई यहाँ पे। और अगर आपको गर्मियों में या ठंड का मज़ा लेना है तो भी ये बेस्ट लोकेशन है यहाँ पे। बेस्ट लोकेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो इसकी हाइट काफ़ी है और जो दूसरी बात है यहाँ पे खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। अमित ऐसा अरेंजमेंट करेगा कि आपका खर्चा ज़्यादा होगा ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आएँ। यहाँ पे ज़्यादा टूरिज्म डेवलप नहीं है लेकिन हम टूरिस्ट ही हैं जो यहाँ को डेवलप कर सकते हैं। दूर तो पड़ता है ये, पूरे मेरे घर से यहाँ तक 12 घंटे लग गए थे हमें, लेकिन जो यहाँ की ये लोकेशन है ना बहुत प्यारी है। चाहे ये दुधातोली पीक है, चाहे हम जहाँ रुके थे पंचाली में वो है, या फिर गैरसैन है, बराड़ी सैन है, ये एरिया बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर ज़रूर आए दोस्तों। यहाँ पे ये लोकल्स हैं, ये कोई जड़ी बूटी इकट्ठी कर रहे हैं। ये हमारे सैफ साहब, आज तो पता नहीं क्या, आज तो पूरे पकवान बने हैं। क्या क्या बनाया भाई? रोटी, बिरयानी, सब्जी भी है। अच्छा, ये देखो अंदर से, ये खपरेल के अंदर इनके ऊपर भी बर्फ गिरी हुई है अभी भी इस टाइम भी, खपरेल से बने हुए छप्पर। ये देखो ये बहुत सारे हैं यहाँ पे ऊपर नीचे। अभी हमने पूछा था कि क्या करने जा रहे हो नीचे, तो बोले कि कोई जड़ी बूटी है यहाँ पे, इन्होंने दिखाई भी थी जड़ी बूटी। ये जड़ी बूटी है कोई, ये पेड़ों पे लगती है ये वाली जड़ी बूटी। बोला ये इकट्ठा करते हैं, इनसे कोई मसाला बनता है। वो नीचे गए हैं अभी भाई रास्ते में, अभी हम निकले वहाँ से 15-20 मिनट पहले, और जो नज़ारा है वो और खूबसूरत होता जा रहा है। सूरज इसके अपोजिट जाता जा रहा है इसलिए ये और ज़्यादा शाइनिंग मार रही हैं चोटियाँ। और आगे आप देख सकते हो रास्ता हमारा, बर्फ में चलना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है ये। बाकी ठीक है लेकिन बर्फ में चलना बहुत मुश्किल है विदाउट एनी गियर, ना तो हमारे पास जूते स्नो के हैं ना हमारे पास कोई गियर है। चलो जाना तो पड़ेगा ही। ये भाई बर्फ
पता नहीं कितने फीट गिरी हुई है। अभी यहाँ से लोकल गए थे, वो बोल रहे थे ये तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पता नहीं कितनी बर्फ़ गिरी थी यहाँ पे पहले। और चलने में बुरा हाल हो रहा है, और ओए मेरा तो बुरा हाल हो गया है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जहाँ मैं चल सकता हूँ वहाँ पे ठीक ठाक आदमी हर कोई जा सकता है अगर मन बना लिया है तो। हालांकि लोग डर जाते हैं लेकिन मैं नहीं डरता इस चीज़ से, मैं पंगा ले ही लेता हूँ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, और ज़्यादा बर्फ़ में ज़्यादा रिस्क हो जाता है, फिसलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी देखो आप मेरे पीछे कितनी बर्फ़ है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ। कैंपिंग लोकेशन में पहुंच गए हैं, अब मैं ऐसे छोड़ के चले गए थे आगे कि आगे पहले ऊपर तक जाके आते हैं बाद में फोल्ड करेंगे इसको। और अभी अमित एंड सुमित लगे हुए हैं दोनों फोल्ड करने में, अभी काम तो है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके बाद तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है इसके बाद, कल हमने देखा था बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। क्या बोल रहा है, इसके अंदर टेंट आना है, चल ठीक है फोल्ड करो भाई। ये अभी इस रास्ते की पूरी सबसे जो डेंजरस बोल सकते हैं इसको रास्ता था, ये बर्फ़ के नीचे पता नहीं कहाँ तक ज़मीन है, क्या है हिसाब किताब पता नहीं है। देखो नीचे बुरी तरह खाई है और ऊपर बर्फ़ के बिल्कुल किनारे से होके हमें जाता हुआ, बहुत खतरा है वहाँ पे, ये सबसे डेंजर जोन था यहाँ का। पीछे पीछे सुमित जा रहा है, सबसे डेंजर जोन। सबसे डेंजर जोन है ये, वो देखो ये इस लकीर के ऊपर से बिल्कुल जाना है, ये बर्फ किसी भी टाइम गिर सकती है। बुरी तरह से बर्फ़ गिरी हुई है, मैंने बोला था कि पीछे वाला डेंजर मोस्ट डेंजर जोन बताया था आपको, लेकिन ये आगे रात को हमें पता नहीं लगा, अभी पता लगता है हमें कितना खतरनाक है यार ये। और हम अंधेरे में आ गए यहाँ पे, कमाल है, बहुत बड़ी मिस्टेक थी ये, नहीं करना चाहिए था रात को। एकदम नीचे खाई है बुरी तरह से, और अभी दिन के टाइम बर्फ़ पिघल रही है और ज़्यादा खतरा है, रात को हमें पता नहीं लगा ज़्यादा। और हम चलते रहे इस पे, ये देखो अमित और सुमित जा रहे हैं, वो एक्चुअल में बहुत खतरा है, बहुत खतरा यार सही में। ये देखो नीचे पूरी बर्फ़ है, ज़मीन कहाँ है यहाँ पता ही नहीं है, तो बहुत बड़ा। इसके आगे भी और आगे से ये देखो, आगे भी देखो पूरा ऐसा ही है रास्ता पूरा। ओह माय गॉड, आ जाओ मैं भी यार, डर लग रहा है, बहुत खतरनाक रास्ता यार, रात को निकल गया ऐसे ही। आ जाओ फिर यार, खाई तो देख नीचे, ओहो नीचे गिर जाऊँ तो बचा लियो भाई, चलूँ चलो वीडियो बंद करता हूँ आता हूँ, वीडियो चलती हुई चलती वीडियो में बनी, मैं नहीं भाई चल के नहीं बना सकता, नीचे गिर जाऊंगा यार, रुको। ये देखो अभी मैं रास्ते में बीच में पहुँचा हूँ, अभी पता ही नहीं यार नीचे कितनी गहरी खाई है, और ये बर्फ़ के ऊपर खड़ा हूँ मैं, इतनी सी मिस्टेक मार देगी भाई। और यहाँ ये ख़त्म नहीं होता, आगे भी ऐसे ही है, ये अमित के काम उल्टे, रात को इसको मना किया हमने बहुत कि ठीक नहीं है, लेकिन रात को बोला कि नहीं नहीं पाँच मिनट लगेंगे। और भाई 5 मिनट बोल के 2 घंटे हमें आगे लेके गया ये, और अभी हम दिन में आ रहे हैं ना, अभी पता लग रहा कितना खतरा था, रात के अंधेरे में इसने कमाल कर दिया यार। ज़्यादा चील मत करे, भाई कोई एडवेंचर का शौकीन है तो
अभी यहाँ आ सकता है। खतरा मतलब जाना खतरा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन मस्ती भी कर सकते हो, थोड़ा सा खतरा ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन यार नज़ारे ओह पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है चीज़ें, यहाँ देखो आगे पीछे ऊपर नीचे। आगे आगे आ गया, मैं भी आ गया, रुक जा। नीचे तो गया, देखिए भाई देखिए नीचे बहुत खाई है, थोड़ा अपनी चौकी साइड रखिए। एक दोस्तों बर्फ खत्म हो गई है, अभी बिना बर्फ पे चलना है। और जहाँ से हम चले थे वो पंचाली, वो देखो वो वहाँ पंचाली है, नीचे गाड़ी खड़ी है, अभी गाड़ी काफी दूर है, वैसे दूरी से गाड़ी आई नहीं आई, वहाँ पे जाना है हमें गाड़ी में। ये इस पंचाली This is all Uttarakhand southern view from Pauri to Nainital, Ranikhet, Ramnagar to Almora। दोस्तों ये पेड़ यहाँ पे स्पेशल ही है, पता नहीं और भी क्यों होते होंगे, लेकिन यहाँ ये देखो इनके जो टहनियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या इतने पत्ते लगे हुए हैं, सूखे पड़े सारे। ऐसे ऐसे पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ पे, इनके तले देखो कितना लगा हुआ है इन पे, और ये तो भी ऐसा है, पता नहीं कैसा है ये। बाकी दोस्तों सोचते थे बर्फ़ ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी है यहाँ पे, अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, अभी काफ़ी आइटमें हैं, और देखो नीचे भी है, साइडों में भी है, अभी बर्फ़ ख़त्म नहीं हुई है। अभी देखो जैसे ही सूरज उस साइड गया है ये चमकने लगी है, अभी ये देखो ये दोस्तों लेफ्ट साइड थी, और वो हमने देखा तो राइट साइड तो बता रहा था ना मैं, शायद पंचाचूली है, वो पीक से नीचे आगे दिखाई देती है, यहाँ से पूरा हिमालय दिखा जाता लगभग यहाँ से भी। अभी हम बीच में हैं, अब हमें ये पता नहीं लगा कि कौन सी पीक क्या है, ये देखो उस साइड भी है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ आते हो तो आपको मैक्सिमम जो पिक्स है ना सब देख सकते हो आप यहाँ पे, और नीचे वो ब्राडीशन है जहाँ पे उत्तराखंड की विधानसभा है, और वो सारी स्नो पिक्स हैं, और ये बर्फ हमारा पीछे छोड़ रही है, अभी भी बर्फ बहुत सारी मिल रही है हमें। अभी हम 2600 मीटर पे ही आए हैं, वैसे काफ़ी टाइम हो गया चले हुए, देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। दोस्तों यहाँ की आप खासियत देखिए, अभी पूरा सूखे का मौसम है क्योंकि अभी भी बर्फ़ पिघल रही है, और बारिश हुई काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पूरी हरियाली है, पूरी तरह पूरे हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पे पूरे पहाड़ों में। देखो आप मसूरी साइड जाओगे वहाँ पे आपको सूखे पहाड़ मिलेंगे, और जो ये नीचे दिख रहा है ये जैसे ही बारिश होगी ये पूरा हरा भरा हो जाएगा, आपको ये बड़े बड़े हरे घास के मैदान दिखेंगे। वो देखो सामने जितने गाँव भी हैं अभी उन्होंने अपनी फसल लगाएंगे, और तब आप देखना सारे हरे भरे हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं ब्रुवंस का फूल, लोकल लोग इसे, ये बहुत हेल्दी होता है, लोकल लोग इसे इसका जूस बनाते हैं। दोस्तों अभी बीच में पड़े हुए हैं, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, पानी पीना कुछ नहीं बचा है, पानी भी खत्म हो गया है, लास्ट में संतरा बचा था, अभी संतरा खा के निकलेंगे, बहुत टाइम लग गया है, अभी पता नहीं कितनी दूर है, देखते हैं।
तो एट लास्ट हम नीचे पहुंच चुके हैं। 9:30 बजे चले थे और अभी 3:30 का टाइम हो गया। बहुत बुरा हाल हो गया थक थक के। ये खड़ी हमारी गाड़ी। चलो फ्रेंड्स, मुश्किल से नीचे गाड़ी तक पहुंचे हैं और अभी गाड़ी बहुत दूर है। गाड़ी के लिए भी रास्ता इतना ख़राब है, तो देखते हैं आगे डेस्टिनेशन क्या है। अभी तो हम 45 जाएंगे और कल की कल देखते हैं।